हाय, मैं अल्पना बूच, आप सबकी लीला अनुपमा में, अनुपमा की माँ, और यू आर वॉचिंग नेशनल रिपोर्टर। मैम, सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? आज इंडिपेंडेंस डे सेट में सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे जो प्रोड्यूसर है राजन जी, और बहुत ही सुंदर उन्होंने आयोजन किया है हम सब के लिए। यहाँ पे ही हमने ये झंडा वंदन किया है, 75 साल की सेलिब्रेशन की है। बहुत अच्छा सुंदर सा बैकड्रॉप आप देख सकते हो, यहाँ पे ध्वज लहरा रहा है भारत देश का, और इतनी सुंदर सुबह जब आए काम पर, यहाँ गेट पे भी पूरा तिरंगे के हमारे वो कर्टन्स लगे हुए तिरंगे के रंग के, बहुत ही सुंदर माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, कुछ शेयर करना चाहेगी, कितना देश बदला है? आप कुछ बताएं। देश बहुत कुछ बदला है, देश में आप देखो तो ऐसी जगह, ऐसे ऐसे पल थे कि जहाँ पे औरतों को बाहर निकलना मुश्किल था, औरतें एजुकेशन नहीं ले सकती थी। आज औरतें कहाँ नहीं हैं, आप देखो तो पायलट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कहाँ कहाँ औरतें पहुँच चुकी हैं। तो बहुत आज़ादी का ये सबसे बड़ा, अगर आप देखा जाए तो आज़ादी का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है ना, वो वही है कि औरत की प्रगति हुई है। ओके, अगर हम बात करें मैम शो की, शो में भी आपको काफ़ी प्यार मिला है, और अगर हम बात करें विमेंस की, तो इस शो ने काफ़ी चेंजेस लाई है सोसाइटी में, लोगों के देखने, अगर विमेंस की लाइफ को लेके क्या कहना चाहोगे? मतलब इतना जो चेंजेस स्टोरी में, इतना जल्दी आता नहीं नेशनल टेलीविजन चैनल में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी कि पूरे शो ने ना एक टेलीविजन का एक पूरा एक एटमॉस्फेयर, वातावरण ही बदल गया है। पहले ऐसे शोज नहीं आते थे, ऐसे शोज आते थे जहाँ पे बहू शादी करके आती है, लड़की शादी करके आती है, सास को वो पसंद नहीं होती है, ननंद को पसंद नहीं होती है, देरानी जेठानी वो लोग उसे परेशान करने के लिए कुछ दूध में जहर मिला देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बाद में वापस उसे लड़ना पड़ता है। पर वो जो भी लड़ाई होती थी वो घर तक सीमित होती थी, और यहाँ पे अनुपमा ने हमें हमारी सोच बदली है, और ये लड़ाई जो है औरत की, वो घर तक नहीं, बहुत आगे तक बढ़ाई है, दिखाई है, और बस अच्छी तरह से सारे विचार जो है कि जैसे कैसे औरत दबी गई है और कैसे आगे बढ़ सकती है, चाहे वो माँ हो, शादी हो चुकी हो, बच्चे हो, उसकी ज़िंदगी वहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती, वो बहुत कुछ आगे कर सकती है, और हमारे शो ने यही दिखाया है। ओके मैम, ये साल हमारे देश ने काफ़ी मेडल्स लाए, वो भी गोल्ड पदक लाए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब इससे पहले हमारा देश स्पोर्ट्स में इतना नहीं कर पाता, आज भी इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन तभी भी एटलीस्ट बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी विमेन आगे आ रही है, इंडियन आर्मी में भी अभी विमेन्स की भर्ती की जा रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पे आप औरत का नाम आपको नहीं दिखा जाएगा, और उसमें भी नंबर वन पे औरतें हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को, आपके फैंस को? आपका कैरेक्टर भी लोग काफ़ी पसंद करते, चाहे कभी कभी आप अनुपमा को भी गुस्सा करते, लेकिन उस गुस्से में एक माँ की प्यार होता है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मेरी ऑडियंस को यही कहूँगी कि आज़ादी, जब आज़ादी का 75 साल हमारे आज़ादी को पूरे हुए और हम मना रहे, तो हम दिल से आज़ाद हुए, भाई से आज़ाद हुए, हमारे जो कोई विचार है जो जिससे हमारी प्रगति अटक जाती है, हमारी प्रगति रुक जाती है, वैसे विचारों से हम आज़ाद हुए। थैंक यू सो मच मैम।